नीट पीजी काउंसलिंग 2023 डेट्स सून रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी प्रोसेस डॉक्यूमेंट कट ऑफ टू नो मोर अबाउट एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग डेट्स यू कैन विजिट www.medicaleducare.com। डाउट है क्या काउंसलिंग है वो प्रीपोन्ड होगा या फिर आपको सेम डेट में कराई जाएगी, जैसा कि आप लोगों को जुलाई और अगस्त बताया जा रहा है या फिर एनबी की तरफ से फाइनलाइज की गई थी, और इंटर्नशिप डेट के अकॉर्डिंग कराई जाएगी या फिर पहले कराई जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए क्या मंथ मई में कराई जाएगी, जून में कराई जाएगी, जुलाई में कराई जाएगी, अगस्त या फिर सितंबर से, तो इन सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि आप सबको बहुत सारे सोशल मीडिया पे अपडेट मिल रहे होंगे, बहुत सारे लोग का मानना है कि अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि जून में होगा, तो इन सारे डाउट को क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके रखें, और यदि आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए, तो आप चाहे तो हमारे एक्सपर्ट से बातें कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट आपको 1-to-1 काउंसलिंग देंगे जब तक कि आपको सीटें नहीं मिल जाती है, और हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से आपको ईजी वे में काउंसलिंग हो सकती है, और टॉप के क्लिनिकल ब्रांच या फिर टॉप के कॉलेजेस मिलने में आपको भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम काउंसलिंग का जो डेट है। अगर इंटर्नशिप को देखा जाए, इंटर्नशिप में 90% स्टूडेंट हैं वो जुलाई से पहले, अगस्त से पहले एलिजिबल हो रहे हैं। इस कंडीशन में काउंसलिंग जो है ये प्रीपोन्ड होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि मंथ मई में आपको काउंसलिंग कराई जा सकती है, मई या जून तक। और गवर्नमेंट को भी मानना है कि काउंसलिंग जितना जल्दी हो सके, जिस तरीके से एग्ज़ाम कराई गई थी, एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग कराई जाएगी, तभी जो है नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो पिछले 2-3 साल से जो सेशन जो डाइवर्ट चल रहे थे, इसे बैलेंस करने के लिए हो सकता है आपको कि मई या जून से आपको काउंसलिंग करा दी जाएगी। वैसे मैं लगातार आप लोगों को वीडियो में बताते आया था कि काउंसलिंग के जो पोर्टल हैं, जो रजिस्ट्रेशन विंडो हैं, खास करके काउंसलिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का या फिर फी स्ट्रक्चर, वो कभी भी आ सकते हैं। जैसे में मैक्सिमम डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, कुछ कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो अपना फी स्ट्रक्चर या फिर ब्राउचर हैं पब्लिश करते जा रहे हैं। इस कंडीशन में बता दूं कि एग्ज़ाम जो है, जहाँ तक मेरा इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी करके, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैंने अपडेट देखा, न्यूज़ देखा, इसके बाद मैंने इंक्वायरी के बाद ऐसा लग रहा है कि मई या जून तक, मई में मोस्टली ज़्यादा चांस है आपको कि मई में काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है, मई से आपको काउंसलिंग कराई जा सकती है, क्योंकि सिर्फ 10% स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं है। इंटर्नशिप के लिए भी अलग तरीके से सिस्टम तैयार की जाएगी, जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे अगस्त में या फिर 11 अगस्त के बाद एलिजिबल होंगे, उनके लिए भी कोई सॉल्यूशन दे दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि काउंसलिंग के बीच में जो नीट पीजी 2020, नीट पीजी 2021, नीट पीजी 2023 जिस तरीके से डाइवर्ट हो चुका था इसका सेशन, इसे बैलेंस करने के लिए काउंसलिंग या फिर मई में कराना ही होगा। अगर मई में नहीं होता है और काउंसलिंग जून जुलाई अगस्त में होता है, तो ये सिस्टम फिर वही के वही रह जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए मई से आपको काउंसलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट होने की उम्मीद ज़्यादा है। तो आप लोग अभी से अपना जो सिस्टमेटिक एनालिसिस है वो करना स्टार्ट कर दें। ये कभी भी किसी भी स्टेट का इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ सकती है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ सकते हैं, प्रोस्पेक्टस आ सकते हैं, फी डिटेलेशन आ सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों के एनालाइज कीजिए अपने रैंक के बेसिस पे, कि आपको कौन कौन से स्टेट में सीटें मिल सकती है, आपका रैंक क्या है, कि आपके रैंक पे गवर्नमेंट सीट मिलेंगे, DNB मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकते हैं, क्या हायर क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे या फिर लोअर मिलेंगे, बजट क्या जा सकती है मिनिमम या मैक्सिमम यदि आपको गवर्नमेंट से कुछ नंबर से चूक रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट अभी एलिजिबल नहीं है, कट ऑफ रिविजन के बाद एलिजिबल होंगे, आपको भी अभी से एनालाइज करना ही होगा। यदि अभी से नहीं करते हैं तो एट ए टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो से इसलिए अपडेट किया ताकि आप भी कहीं ना कहीं अवेयर रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।